आज मेहनतकशों की आवाज सुनने वाला नहीं है। जो तंत्र है वो पूरी तरीके से पूंजीपतियों के पक्ष में ये तंत्र है। चंदूलाल चंद्राकर नाम का एक हॉस्पिटल है 700 बेड का छत्तीसगढ़ में, वो निजी अस्पताल है। उस निजी अस्पताल को छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश सरकार ने अधिग्रहण किया और उस अधिग्रहण में राजपत्र उन्होंने विधेयक पास किया विधानसभा में उसको खरीदने के लिए कि जितने भी पुराने कर्मचारी हैं जो निजी अस्पताल में थे कर्मचारी वो नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते। हम लोग विगत 2013 से वहाँ कार्यरत है। उस हॉस्पिटल और कॉलेज के कैंपस में बहुत सारी महिलाएं लगभग 40 लेडीज हैं। वो महिलाओं को भी अभी हम सभी को निलंबित किया गया है, हम सबों को बिठा दिया गया है नौकरी से। ये अपने आप में संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है कि आप किसी के मांग के ऊपर नहीं बोल सकते कि आप ये मांग नहीं मांग सकते। दूसरा ये है कि लगातार हम लोग 5-6 महीने से ये आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार जो अधिग्रहण किया है उस अधिग्रहण में आप केवल बिल्डिंग को अधिग्रहण किए हो, आप ईटा को वहाँ के सड़क को अधिग्रहण किए हो, लेकिन मजदूरों का क्या होगा, कर्मचारियों का क्या होगा? उस कर्मचारियों के लिए सविलियन के लिए लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो 2013 से कार्यरत थे उस मेडिकल कॉलेज में उनको ये कहकर बाहर कर दिया गया कि आप लोग का एक्विजिशन नहीं किया गया है, सिर्फ बिल्डिंग का एक्विजिशन किया गया है, लैंड का एक्विजिशन किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्विजिशन किया गया है, इसलिए आप लोग इस मेडिकल कॉलेज में नहीं रह सकते, आप लोग बाहर जाइए। ऐसा करके 2 फरवरी का अमरण अनशन बैठे, उस 2 फरवरी के अमरण अनशन के दौरान सरकारी कॉलेज जो हो चुका चंदूलाल चंद्राकर वहाँ का जो डीन है पीके पात्रा, वो डीन के अधीनस्थ में वहाँ पर जो 3 दिन से ये चस्पा किया गया था पोस्टर और पर्चा उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर कि जो धरना में आंदोलन में भूख हड़ताल में जो बैठी हैं महिलाएं, वो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं, एक तरीके से धंधा करती हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी कंप्लेन भी किया, पुलिस को भी कंप्लेन किया, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमारा परिवार चलाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। सरकार अधिग्रहण तो किया है पर हम सभी लोग को छोड़ दिया है, तो इसके लिए तो हमको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। वैसे तो हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार तो लगाए थे पर वहाँ से कोई हमको आश्वासन तो नहीं मिला। हमारा कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है, हमारा मांग यही है कि ये जो कर्मचारी हैं उनको सविलियन किया जाए, उनको नौकरी में बकायदा रखा जाए, क्योंकि इन ये 10 साल से काम किए, इनका उम्र भी हो गया है। आप उस तरीके से लाने जाओगे कि आप विज्ञापन आएगा फार्म भरो, उसमें ये सूट नहीं हो सकता। पढ़े लिखे जरूर है लेकिन उम्र आके अटक जाएगा। तो उस स्थिति में सरकार को चाहिए कि इनको पूर्ण तरीके से सविलियन करना चाहिए। जैसे कि 1970-80 के दशक में वो एक नेहरू जी थे, उस समय की एक समाजवादी एक दृष्टिकोण था, हल्का से, बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था। उसके समय में चाहे वो जूट मिल हो, चाहे मारुति हो, चाहे बैंक हो, कई तरीके के प्राइवेट उद्योगों को शासकीकरण किया गया और जहां शासकीकरण किया गया वहां लोगों को जो है ना रोजगार दिया गया। प्राइवेट में जो था ठेकेदारी मजदूर था उनको भी रोजगार दिया गया। हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दरवाजे गए हैं और लेटर भी 12 से 15 बार दे चुके हैं, देने के बाद भी उसका कोई हमको सुनवाई नहीं मिला। और वहाँ के सारे संसदों के घर भी जा चुके हैं, जितने हम 101 लोग हैं, हम लोग थक हार के अभी दिल्ली में आए हैं। हमारी आजीविका की साधन जो एकमात्र उसी मेडिकल कॉलेज से पिछले 8-9 सालों से था, वो अचानक से हम लोगों से छिन गया और हम लोग ओनली ब्रेड अर्नर हैं अपने फैमिली के। इसके बाद हम लोग आपस में एकजुट होना शुरू किए और जैसे भी समझ में आया अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ भी रोजगार दे सकती है लेकिन रोजगार नहीं दे रही है और कुल मिला के बार बार यही कहता है कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा, इनके बारे में संज्ञान नहीं ले पाऊंगा। और 100 बार हमने आवेदन दिया है मुलाकात करने के लिए लेकिन आज तक उन्होंने मुलाकात नहीं किया है। इतने बड़े आंदोलन में मुलाकात करने के लिए भी जो है छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश सरकार जो है वो कतरा रही है। वैसे अभी दिल्ली में आए कांग्रेस भवन भी गए हैं, वहाँ पे भी लेटर दिए पीएल पुनिया जी को और हमारे सोनिया जी के ऑफिस में भी गए थे पर उन्होंने नहीं मिला। उनके पीए को हम लोग लेटर दिए, हमारे जो परेशानियां हैं हम लोग लिखित रूप में दिए हैं। लोकतंत्र वहाँ नहीं है, एक व्यक्तिवादी तंत्र चल रहा है, जो व्यक्ति भूपेश बघेल जो बोलेगा वही होगा। तो कुल मिला के है यहाँ अब
हम जंतर मंतर में आए हैं यहाँ पर। कल हम पीएल पुनिया से बात किए, वो प्रभारी है, उनको हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में चलिए और इस मामले को आप सॉल्व करिए। हम राहुल जी के ऑफिस भी गए थे मिलने के नाम से, वहाँ भी कोई नहीं मिला, फिर भी हम लोग उनके ऑफिस में हम लोग का अपना लेटर जो है दिए हैं। हम टॉर्च रैली निकाले, बाइक रैली निकाले, फास्ट एंड टू डेथ एजिटेशन किया, चैन हंगर स्ट्राइक किया और नेता लोगों को शासन प्रशासन को आवेदन प्रतिवेदन दिए। ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहां हमने आवेदन प्रतिवेदन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमारी मांग नहीं सुनी गई और इसी के चलते हम लोग को यहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आना पड़ा। हम कल 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उसके बाद आज जंतर मंतर में हम धरना दे रहे हैं। इसलिए हमारा ये जनता से भी मांग है कि आज सबको एक साथ खड़ा होने की जरूरत है और लोकतांत्रिक तरीके से सच्चा न्याय के लिए न्यायोचित तरीके से हमारे आंदोलन को आप लोग सब लोग सपोर्ट करिए, इसलिए हम दिल्ली आए। भरपूर कोविड जब था वो कोविड के समय में भी हम लोग पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ वहाँ काम किए हैं। करने के बाद उसके बदले में जब कोविड खत्म हुआ, हर चीज सही हुआ, तो हम स्टाफ नहीं चाहिए, तो हम इस अभी जाके हम कहाँ जाएंगे। भूपेश सरकार और जो पूर्व प्रबंधक चंदूलाल चंद्राकर, इन दोनों के बीच में बहुत रिश्तेदारी है, गठजोड़ है और उसमें पूर्व प्रबंधक का 142 करोड़ कर्ज था, बकाया था। उस 142 करोड़ कर्ज को देने के लिए सरकार ने जो है अपने रिश्तेदारी निभाया है और वो सरकार ने खरीद करके 142 करोड़ को अदा की है। अब जो है समझ में आता है कि ऐसा पता भी चल रहा है कि आने वाले दिन में फिर ये निजी होने वाला है, फिर किसी रिश्तेदार के नाम से चला जाएगा। हमारा रोजी रोजगार छीना जा रहा है। सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं सबके लिए रोजी रोजगार मैं देता हूँ, पर हमारा तो रोजी रोजगार छीनने पर है, हमारे पेट पे लात पड़ा है। हम यही चाहते हैं सरकार से हम सभी को सविलियन किया जाए। ये एक जनता के साथ बहुत बड़ी धोखा है, जनता के साथ खिलवाड़ है। स्वास्थ्य जो होता है, हॉस्पिटल जो होता है, वो जनता के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर वो हॉस्पिटल कमाने का जरिया बन गया है, जनता के लिए नहीं।